Hi everyone, so in today's video we will talk about teaching language as a skill rather than a knowledge subject. लैंग्वेज को पढ़ाना एक कला है एक स्किल है ना कि एक नॉलेज सब्जेक्ट की तरह यह है तो स्कूल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज ए नॉलेज सब्जेक्ट बिकॉज जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे हमें किसी ना किसी टाइप की नॉलेज मिलती है ठीक है एंड स्किल सब्जेक्ट्स भी माने जाते हैं कुछ स्किल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं कुछ स्किल्स सीखते हैं इट इज़ नोइंग एंड डूइंग स्कूल में क्या होता है हम चीज़ों को समझते हैं और करते हैं सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस हिस्ट्री मैथमेटिक्स ये नॉलेज सब्जेक्ट्स हैं इनसे हमें नॉलेज मिलती है दे हैव एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ फैक्ट्स होते हैं इनमें एंड दे हैव टू बी ग्रास उनको हमें लर्न करना पड़ता है मेमोराइज करना पड़ता है दिमाग में रखना पड़ता है एंड नेचुरली जो मैथडोलॉजी है इंसिस्ट ऑन एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हमारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब जो इंटेलिजेंसी एक्टिविटी है दिमाग की एक्टिविटी है वो अपने आप ही काम करने लगती है क्योंकि हमको वो चीज़ याद रखनी है याद करनी है एंड रोट मेमोरी इज़ गिवन प्रोमिनेंस और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो जो रट्टा लगाते हैं उसको रोट लर्निंग बोलते हैं तो वो रोट मेमोरी भी काम करने लगती है इन स्किल सब्जेक्ट्स लेकिन स्किल सब्जेक्ट ब्जेक्ट्स भी हमें स्कूल में कराए जाते हैं जैसे लैंग्वेज ड्राइंग पेंटिंग म्यूजिक देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे नीड होती है जहाँ पे हम डेवलप करते हैं कुछ एबिलिटीज़ को प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ठीक है एंड फोकस हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट फॉर्मेशन पे भी हम फोकस करते हैं उस चीज़ को बार बार करते हैं तो बार बार सीखते हैं जो एबिलिटीज़ हैं रीड करने की राइट करने की आर मैटर्स ऑफ लिटरेसी अगर आपको लिखना आता है अगर आपको पढ़ना आता है तो आप लिटरेट हो मतलब आप पढ़े लिखे हो ईट स्किल कंप्राइज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स हर एक स्किल के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं अगर आपने ड्राॅइंग करनी है ड्राॅइंग सीखनी है तो आप उसको एक डिफरेंट वे में करेंगे पेंटिंग अलग तरीके से होगी म्यूज़िक सीखना है अलग तरीके से होगा डांस अलग तरीके से होगा लैंग्वेज को सीखोगे तो वो भी अलग तरीके से सीखा जाएगा इसीलिए जो लैंग्वेज है हेन्स लैंग्वेज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्किल माना जाता है कंजस्टिंग ऑफ द स्किल ऑफ इसमें आप सुनते हैं बोलते हैं पढ़ते हैं और लिखते भी हैं क्योंकि अगर आप जैसे अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं हमें हिंदी नहीं आती है तो हमें पहले Uh, सीखना पड़ेगा ना सुनना पड़ेगा फिर हम उसको बोल के देखेंगे फिर पढ़ के देखेंगे और फिर हम लिख करके देखेंगे ये जो स्किल्स हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज पैसिव एंड एक्टिव स्किल्स जो लिसनिंग है रीडिंग है ये पैसिव स्किल्स होती हैं एंड बोलना और लिखना ये एक्टिव स्किल्स होती हैं दे आर रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स इसका मतलब ये है कि हम इन्हें सीखते हैं और इन्हें यूज़ करते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिमांडिंग द एक्सरसाइज ऑफ ऑडिटरी एंड द स्पीच ऑर्गन मे बी कॉल्ड औरल औरल स्किल्स जो लिसनिंग और स्पीकिंग है उसमें हम ऑडिटरी एंड जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज करते हैं जिनको औरल औरल स्किल्स भी बोलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग को हम ग्राफिक मोटर स्किल्स बोलते हैं लैंग्वेज एक इंटीग्रेटेड स्किल है ये जो स्किल है इसको आप कंपार्टमेंटलाइज़ नहीं कर सकते हो एंड जो बेसिक प्रॉब्लम है लर्निंग में किसी भी लैंग्वेज को सीखने में इज़ वन और इंटर इंटरनलाइजिंग द लैंग्वेज कोड बेसिकली क्या होता है ना जब हम कोई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं एक तो हमारा खुद का मन होना चाहिए ज़बरदस्ती तो हमें कोई सिखा नहीं सकता है उसको हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके अपना रोड लर्निंग नहीं कर सकते हैं प्लस इनके कोड्स होते हैं उन्हें सीखना जरूरी होता है जो मैथोडोलॉजी है वो इन्वॉल्व करती है नॉट लर्निंग अबाउट लैंग्वेज बट लर्निंग द लैंग्वेज हम लैंग्वेज के बारे में नहीं सीखते हैं हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं ये इसका प्रॉपर मैथड होता है जो लर्नर होता है उसको या तो इनकोड करना होता है या डिकोड करना होता है साउंडस को वर्ड्स को और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नीडेड टू एक्सप्रेस और टू ग्रास्प द दॉट्स दो भी स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए जिससे हम एक्सप्रेस कर सकें अपने थाट्स को या उन थाट्स को ग्रहण कर सकें ईज टू मैन्युपलेट और टू कम्युनिकेट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ वो मैनिपुलेट करता है कम्युनिकेट करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ से जो लर्निंग है लैंग्वेज कोड की विल फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द स्किल्स जब हम लैंग्वेज कोड सीख जाते हैं तब हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो भी फैसिलिटेट होने लगती हैं